दौड़ा गए थे राधे मोहन बाबू, उनको रुपया काट। रुपया नहीं, हमारे कान की वफादारी का कीड़ा काट रहा। कुत्ते की मौत मरेंगे, अब समझिए कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया। अब बैठ के जनता की सेवा करत रहे। जिन 11 विधायकों के दम पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, उनमें से 9 का समर्थन हमको मिल गया है। देख लीजिएगा, उन्हीं का दस्तखत है। देखिए सीएम साहब, सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन में बहुत पानी बह जाएगा गंगा नदी में। लगता है कोनो भारी काम है। हमको पुतनवा चाहिए। लगता है तरुको ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। चोरे के बदले कहीं रात में तो नहीं ससर लिया। छोड़ना नहीं, अरे जल्द से छिला गई खाली। का जरूरत था बहादुरी दिखाने का? नहीं तो का नपुंसक बने घर में बैठे रहते। इंफॉर्मेशन था हमारे पास तो देख लिया ना, इंफॉर्मेशन का रिजल्ट कर देना डबल क्रॉस। उस साला तरुगुआ भी मरेगा। किस किस को मारोगे भैया? एक एक को, जरूरत पड़ा तो पूरे महाराजगंज को भून के रख दूंगा। महाराजगंज जरी ती हवेली आग से ना बची रितेश बउआ। भगवान के खातिर ये सब बंद करो तू लोग। अब तो ये सब ओहे दिन बंद हुई मामी, जौन दिन मामा के खून का बदला खून से ले ले। मामा जी हमका सिखैलन निर्दोष पर कभी हाथ ना उठा, लेकिन जो तो पर हाथ उठावे के कोशिश करे वो कर हाथ काटा। अब तो वो दुनिया से चल गए ना, केकरो मारे से उना आइए। हम तो अपन करेजा पे पत्थर रख लेंगे। अब तो हमरा शांति से जियो था लोग। ठीक बा, रउआ शांति से रहे, लेकिन हमरा के तो वही दिन शांति मिली जौन दिन पुतनवा का गर्दन काट के गंगा में बहाई। बाबा, हम अपन बच्चा की जिंदगी सवारे खाते बहुत दुख सहने वाली। अपन जिंदगी में कोनो सुख ना देखने।
रोवा लोग हमरा ऊपर कृपा करी, हमर बच्चा की जिंदगी ना खराब करी। भाभी हम वचन देते हैं श्रीकांत के कुछ ना हो। श्री जा माँ के भीतर लेके जा। चलो निशा, ये क्या बचपना है, क्या करी हो ये? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करना। तुम गुंडे में रहे, ये लोग तुम्हें भी क्रिमिनल बना कर ही छोड़ेंगे। कोई किसी को हाथ पकड़कर क्रिमिनल नहीं बनाता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। निशा निशा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी बाबूजी की मौत हुई और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, क्या कहेंगे लोग? उनके जीते जी तो कभी एक बेटे का फर्ज नहीं अदा करना, उनके मरने के बाद तो कम से कम। तो क्या करना चाहते तुम? यही जो ये सब लोग करते हैं, खून का बदला खून। लिसन, तुम्हारे दिमाग में ये भर गया है, खून खून खून। मैं यहाँ खून करने नहीं आया, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ पाने के लिए खून नहीं करना पड़ता। चलेंगे, जरूर चलेंगे, बस उस आदमी का पता चल जाए जिसने मेरे बाबूजी का खून करवाया है। प्लीज श्री, आई डू अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे डर लग रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के गंदे सिस्टम से। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता निशा। यहाँ का दुनिया अलग है श्री, यहाँ स्वर्ग देखने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। ये कायदा कानून सब महाराजगंज में आके फेल हो जाता है, यहाँ तो जैकर लाठी और कर भैंस। महाराजगंज के लिए कोई अलग से कानून नहीं लिखा गया है बाबा, कानून सभी के लिए बराबर है। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबूजी के हत्यारे को उनके किए की सजा दिलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा श्री, रितेश के बाबूजी का खून हुआ 11 बरस से ऊपर हो गया। क्या हुआ? हत्यारा अभी तक बाहर घूम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो श्री, नहीं है। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी इनके काम करने का ढंग तुम नहीं जानते। इनके पीछे भागते भागते आदमी मर जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सिस्टम में कुछ कमियां जरूर है बाबा, लेकिन कायदा कानून से हमारा भरोसा उठा नहीं है। हाथ कंगन के आरसी का आजमा के देख ले। कल सवेरे हम लोग एसपी से मिलने चलेंगे। शांत हो जाइए, हम यहाँ नारे लगाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम यहाँ पर एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। इसी गांधी चौक पर बाबू अमरकांत जी का खून कर दिया गया लेकिन सरकार सोती रही। इसी गांधी चौक पर व्यापारी मंडल के मुखिया मुरारी सेठ का खून बहा दिया गया लेकिन सरकार आंखें मूंद कर सोती रही। अरे हम पूछते हैं, लोगों के जानमाल की हिफाजत का जिम्मा किसका है? सरकार का। और सरकार कानों में तेल डाल के सो रही है। बगुला भगत बनता सारा, चीफ मिनिस्टर का कुर्सी हथियाने के लिए सब कुछ कर्म करने को तैयार है। सही में गलती का है, हर आदमी ऊपर उठना चाहता है तो उठिए, कोई मना कर रहा है का? दूसरा को धक्का देकर तो मत गिराइए। चुप रहिए, 6 महीना बाद इलेक्शन होने वाला है, उसी का तैयारी कर रहा है सब। कदुआ कर रहा है नहीं तो पूरे महाराजगंज में चोर तेरे डाकू का राज होगा। अरे पूरा प्रदेश जल रहा है आग में, सारी जनता ताहिमाम ताहिमाम कर रही है। अब भी समय है
जागो, हम कहते हैं जागो, और इस सरकार को जमीन में दफन कर दो। कर्नाटक करवा रहे हैं, वरना पेट्रोल पंप खोले हैं कि, वरना किसी को न्याय नहीं मिलेगा, कहीं सुनवाई नहीं होगी। प्रणाम बिंदा भैया, कहा पकपक कर रहा है ये? बकवास, फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं हमारे धंधे का। तो तुम लोग सुनते काहे को? अब का करें भैया, मार्केट में तो सबका सुनना ही पड़ता है ना। अच्छा प्रणाम भैया। अरे भैया अभी समय है, हार है कोई से दिखने मत दो। ये बिंदा भैया बड़का बड़का हाक रहे, जाओ ना जाके चुप करा दो। हाँ बक बक कर रहा है, और हम पछताएंगे, रोएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। कब यहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कहाँ साला सरकार ही रहने चला था। देखो अरे गालियां मत छोड़ना साले को। क्यों खड़ा खड़ा देख के तमाशा देख रहे हैं? देखा नहीं सरकार गिर गया है और आप चुपचाप देखते रह गए? अरे तो क्या करें, डंडा भजाएं? अरे सरकार चाहे जिसका हो, ड्यूटी तो हमको करना है ना। आप अपना फोटो खींचिए, बड़ा जबरदस्त आएगा। करिए करिए, आप अपना ड्यूटी कीजिए। कर रहे हैं। आज उनका कमी भरा महसूस कर रहे हैं। अमरकांत बाबू होते तो इतनी देखना नहीं पड़ता। ग्रहों का सब फेर है, बाकी ग्रह नक्षत्र चलायमान है राधे बाबू, समय फिर बदलेगा। प्रणाम श्रीकांत बाबू। प्रणाम, आप बैठिए। आपको देखते हैं तो अमरकांत बाबू का याद आता है, मन अपने आप श्रद्धा से बढ़ जाता है। सरकार से इस्तीफा दे दिया है राधे बाबू ने, त्याग दिए सब कुछ, एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचा कि भविष्य का क्या होगा। अरे का प्रलोभन नहीं दिया हमको, लेकिन ना धन दौलत एक जगह और वफादारी अपनी जगह। अमरकांत बाबू और ड्योड़ी का बड़ा उपकार है हमारा ऊपर, हम कभी भी नमक हरामी नहीं कर सकते। भाई जी हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे, आज भी आप हमारे उतने ही अपने हैं। अरे ये भी कोनो कहने की बात है, हमको पता है कि आप लोग कितना मान सम्मान देते हैं। अरे बाबूला, अरे काका नहीं क्या अमरकांत बाबू, उसके लिए जूता ढोता था उनका जूता, एमपी बना दिए, लेकिन संस्कार देखिए, ससरा जिस थाली में खाया उसी में छेद कर। बहुत जल्दी शनि का 7:30 ही लगने वाला है, मुंह छुपाने का जगह भी नहीं मिलेगा उसे। श्रीकांत बाबू, एक तो फरियाद था आपसे। जी हमसे? जी हाँ आपसे ही। कहिए। वैसे तो अमरकांत बाबू का खाली जगह भरना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर उनकी कोई जगह ले सकता है तो सिर्फ उनका बेटा ही ले सकता है। देखिए आप इनकार मत कीजिए, सिकंदर बाबू इनकार मत कीजिए, ये परिवार से ज्यादा महाराजगंज को आपका जरूरत है। पूरा जिला जवान और बिरादरी के लोग आपकी तरफ आशा से देख रहा है। बब्बन और बाबूलाल दोनों चील कौवा की तरह पूरे महाराजगंज को रोज रोज कर खा जाएगा। आप ही कुछ कर सकते श्रीकांत बाबू, आप भी कुछ कर सकते हैं, बड़ा उम्मीद है हम सबको आपसे।
आप चिंता मत कीजिए, हम उन लोगों का मनसा कभी पूरा नहीं होगा। सोच रही है माँ, अब का सोचे के पचलवा, तू सब खुश रहा बस, और का चाहिए हमरा, जितना जल्दी होके श्रीकांत के समझा बुझा के चल जा लो, अपन काम काज देखा। माँ आप भी चलिए ना साथ में, आप यहाँ के लिए क्या करेंगे? अरे ना दुल्हन, अब कहाँ जाल पार लागी, उरहलन तो कहीं गई भी ना कैली, यह चौखट पे डोरी उतरल, अब तो यह सारथी निकली। माँ इला बउआ हल्दी वाला दूध पीला, अरे दर्द के टाल दी इला। दर्द ऐसे न जाई माई, जौन दिन पुतनवा के गर्दन काटब वह दिन जाई। बउआ पुतनवा के जान के पीछे अपन जान मत गवा दिया। बउआ कोई भी काम होशियारी से करे के चाही, अपन बाप जैसा नातुर होके जान गवावे की जरूरत नहीं के। तू का कहता रू, हमरा के कुछो नहीं के समझ में आवत। बुद्धि सच हो गई तो हमर बात कहां से समझ में आई, घर के हाल तो देखता बाड़ो, श्रीकांत से राजपाट कुछो ना संभली, तू तो चल जाई अपन मेहरारू के अचरा में सोते, तरह कुछ हो गई तो खानदाने खत्म हो जाए। बतार गई भाई गई तू गई ला, तो सब खत्म हो जाए।